वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ऑल आर फाइन, ऑल आर गुड एट होम? चिल्ड्रन, लेट्स ओपन योर कंप्यूटर बुक. ओपन पेज नंबर 7070. द टॉपिक इज मॉडल टेस्ट पेपर. एज यू कैन सी हेयर, बच्चों जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मैंने मॉडल टेस्ट पेपर 1 ओपन किया है. ओपन पेज नंबर 70. टुडे वी विल प्रैक्टिस ऑफ दिस पेज एंड इट विल कम इन द एनुअल सिलेबस. बच्चों यह पेपर मॉडल टेस्ट पेपर 1 आपकी एनुअल सिलेबस में काउंट किया जाएगा. सो लेट्स कंप्लीट दिस पेज. लेट्स डू दिस पेज विद मी. मेरे साथ आप यह वर्क कंप्लीट कीजिए. द क्वेश्चन नंबर ए इज टेक द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों इसमें? टेक द करेक्ट ऑप्शंस. सो चिल्ड्रन सी इन योर बुक. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. इनमें से कौन सी चीज इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करती है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से वर्क करने वाली चीज़ें कौन सी हैं इनमें से? ए इज़ कंप्यूटर, बी इज़ रेफ्रिजरेटर एंड सी इज़ बोथ. कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर या फिर दोनों, कौन सी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करती है बच्चों? ए, बी और सी. बच्चों आप सब जानते हैं ना, कंप्यूटर भी इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है और रेफ्रिजरेटर भी इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है. सो द आंसर विल बी सी, दैट इज़ बोथ. बोथ माने दोनों, दैट मीन्स दोनों चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करती हैं. सो लेट जस्ट टिक ऑन द ऑप्शन नंबर सी. नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 2. Who is known as the father of computer? इनमें से किन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर का जनक जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था. सो जस्ट टेल मी हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर. हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. ए इज चार्ल्स बेबेज, B is Napier Bones and C is Dennis. The correct answer is Charles Babbage. Correct answer is Charles Babbage. So just tick on the A option. Who is known as the father of computer? Computer ka janak kise kaha jata hai? Charles Babbage ko kaha jata hai. Now children, read question number 3. Which of the following tasks you cannot do on a computer? इनमें से कौन सा वर्क, कौन सी टास्क आप कंप्यूटर पर नहीं कर सकते? A is play games, B is read books and C is cook. आप बताइए इनमें से हम क्या वर्क नहीं कर सकते? गेम्स, प्ले गेम्स, यस हम लोग गेम्स खेल सकते हैं कंप्यूटर पे. रीड बुक्स, यस हम कंप्यूटर पर रीडिंग कर सकते हैं. एंड कुक, सी इज़ कुक. कुक मतलब कुकिंग करना, खाना बनाना. क्या हम कंप्यूटर पर खाना बना सकते हैं? नहीं, वी कैन नॉट डू दिस वर्क ऑन आवर कंप्यूटर. सो जस्ट टिक ऑन द सी ऑप्शन. The task we cannot do on a computer is cook. Okay children, just tick on it. Question number 4. Which of the following is not a main part of the computer? इनमें से कौन सी चीज़ computer का main part नहीं है? Main part कौन से होते हैं बच्चों, आप लोगों को पता है ना? इसमें लिखा है A is keyboard,
बी इज़ यूपीएस एंड सी इज़ सिस्टम यूनिट। इन तीनों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी नहीं है? कीबोर्ड, यूपीएस और सिस्टम यूनिट, विच इज़ नॉट अ मेन पार्ट। मेन पार्ट जो इनमें से नहीं है, जस्ट गिव मी द आंसर, इट इज़ बी। आंसर इज बी, सो जस्ट टेक ऑन द बी ऑप्शन, दैट इज यूपीएस। सो चिल्ड्रन, दीज वर्क्स आर क्लियर टू यू नाउ? नाउ लेट्स स्टार्ट द बी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम बी पार्ट करेंगे, सो जस्ट सी ऑन योर बी पार्ट। फर्स्ट इज अ मशीन दैट वर्क्स विदाउट एनी फिजिकल एफर्ट इज कॉल्ड डैश मशीन। जो मशीन बिना किसी फिजिकल एफर्ट के वर्क करती है, फिजिकल में एफर्ट जिसमें कि हमें अपनी मेहनत नहीं लगानी पड़ती, उसे हम क्या कहते हैं? जस्ट सी द ऑप्शंस ओवर हेयर चिल्ड्रन, सी द ऑप्शंस हेयर, डेस्कटॉप, हाई, सिस्टम, ऑटोमेटिक। जिस मशीन में फिजिकल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसे ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। अ मशीन दैट वर्क्स विदाउट एनी फिजिकल एफर्ट इज कॉल्ड एन ऑटोमेटिक मशीन। जिस मशीन में हमें अपनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वह खुद वर्क करती है, उसे हम ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। सो जस्ट राइट डाउन हेयर ऑटोमेटिक। नाउ सेकेंड इज द डैश कंप्यूटर इज फिक्स्ड एट वन प्लेस फॉर यूज। यह कंप्यूटर एक जगह पर फिक्स होता है वर्क करने के लिए। तो कौन सा कंप्यूटर फिक्स होता है? दैट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज फिक्स्ड एट वन प्लेस फॉर यूज। सो जस्ट राइट डाउन हियर डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर थ्री, अ कंप्यूटर वर्क्स एट वेरी डैश स्पीड। कंप्यूटर वर्क करता है कैसी स्पीड से? हाई स्पीड से। कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड से वर्क करता है, दैट मीन्स कंप्यूटर बहुत जल्दी जल्दी वर्क करता है। सो चिल्ड्रन राइट डाउन हेयर हाई। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन फोर्थ इज, फोर्थ फिल अप इज द डैश यूनिट होल्ड्स द सीपीयू। यह यूनिट सीपीयू होल्ड करके रखती है। इस यूनिट में सीपीयू होता है, दैट इज सिस्टम यूनिट। द सिस्टम यूनिट होल्ड्स द सीपीयू। सिस्टम यूनिट में सीपीयू होता है। सो राइट डाउन हियर सिस्टम। चिल्ड्रन राइट डाउन हियर सिस्टम। सो चिल्ड्रन कंप्लीट योर फिल इन द ब्लैंक्स। ए यू टी ओ एम ए टी आई सी ऑटोमेटिक। डी ई एस के टी ओ पी डेस्कटॉप। एच आई जी एच हाई। एस वाई एस टी ई एम सिस्टम। सो नाउ दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ लेट्स डू द सी पार्ट, ट्रू और फॉल्स। बच्चों अब हम ट्रू और फॉल्स करेंगे। फर्स्ट इज मशीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। मशीन्स दो तरह की होती हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल मशीन्स जिसमें हम अपनी फिजिकल एफर्ट्स लगाते हैं, और ऑटोमेटिक मशीन्स जो कि किसी दूसरे तरीके से चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, फ्यूल से चलती हैं, दीज आर कॉल्ड ऑटोमेटिक मशीन्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू।
चिल्ड्रन राइट डाउन हियर टी. ह्यूमन बीइंग वर्क फास्टर देन मशीन्स. अब सेकेंड ट्रू फॉल्स इज ह्यूमन बीइंग्स वर्क फास्टर देन मशीन्स. ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान मशीन से फास्टर तेज़ वर्क करते हैं, इंसान मशीन से जल्दी वर्क करते हैं. दैट इज़ फॉल्स. मशीन्स ही हमारी लाइफ को इजी बनाती हैं, मशीन्स ह्यूमन बीइंग से फास्टर होती हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट, अ डेस्कटॉप इज़ स्मॉल इनफ टू फिट ऑन योर लैप. डेस्कटॉप इतना छोटा होता है कि वह आपकी लैप पर आपकी गोदी में रखने लायक होता है. आप उसे अपनी गोदी में रख के वर्क कर सकते हैं. इज़ दिस डेस्कटॉप, क्या डेस्कटॉप इतना स्मॉल होता है? नहीं, इट इज़ लैपटॉप. आप सभी जानते हैं ना, लैपटॉप इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी पास अपनी गोदी में रख के वर्क कर सकते हैं. सो थर्ड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स. राइट डाउन हेयर एफ. नाउ चिल्ड्रन रीड द फोर्थ स्टेटमेंट. अ मॉनिटर शोज द वर्क दैट यू डू ऑन द कंप्यूटर. मॉनिटर वह वर्क शो करता है जो भी हम कंप्यूटर पर करते हैं. जो भी वर्क हम लोग कंप्यूटर पर करते हैं वह हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है. यस इट इज़ ट्रू, हम मॉनिटर पर ही देखते हैं ना अपना वर्क. सो दिस फोर्थ स्टेटमेंट इज़ ट्रू. सो चिल्ड्रन राइट डाउन हेयर टी. नाउ चिल्ड्रन ट्रू फॉल्स आर क्लियर टू यू. आपको ट्रू फॉल्स समझ में आ गए हैं ना. सो दिस मॉडल टेस्ट पेपर इज़ क्लियर टू यू नाउ. एंड नाउ देयर इज़ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो जस्ट कट दिस क्वेश्चन, वी विल नॉट डू दिस क्वेश्चन. ओके, डी क्वेश्चन हमने नहीं करना है. वी हैव डन पार्ट ए बी एंड सी. हमने ए बी और सी पार्ट कर लिया है. एंड चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स. आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ गई है ना. सो चिल्ड्रन लेट्स जस्ट रीड द थिंग्स एंड कंप्लीट इन योर कंप्यूटर बुक. ओपन पेज नंबर 70 एंड डू दिस वर्क इन योर कंप्यूटर बुक. टेक केयर चिल्ड्रन.